रहे थे कि एजुकेशन का महत्व हमें कभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन आज का भी ये दिन, आज हमने क्या किया, आज फर्स्ट टाइम किसी एक डायरेक्ट सेलिंग इवेंट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के साइंटिफिक पोस्टर लगे हैं बाहर, राइट, एक सिंपोजियम। तो आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग के पहले सिंपोजियम में, जहां हम एजुकेशन और रिसर्च की बात करेंगे। एज अ डायरेक्ट सेलर हमें यह समझ में आता है कि यार कैसे क्या टेक्निक हो जिससे पैसा कमाया जा सके और कैसे डायरेक्ट सेलिंग अपने बिजनेस को हम बढ़ा सके। मैं आपको बता सकता हूं कि जिस दिन एजुकेशन के इंटरवेंशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उस लेवल तक आ जाएगी जिस लेवल तक हम ये सोचते हैं कि पहुंचे, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग का बिल्कुल आयाम चेंज हो जाएगा। और मैं आपके साथ बात करूंगा 2-3 मिनट और हम देखेंगे कि कैसे वो हो सकता है। एजेंडा हमारा बात बहुत छोटा सा एजेंडा है, सेट्सा के बारे में बताऊंगा, सेट्सा क्या है, अकेडमिक की जरूरत क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी तक भी हम सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, और हम बोलते हैं कि यार यही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो हम क्या बैरियर तो नहीं बना रहे हैं कहीं, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज हम जो हिस्टोरिकल सिंपोजियम और जो पैनल डिस्कशन है वो हम यहाँ देखेंगे। आप देख रहे हैं 5 चेयर्स लगी हैं, तो हमने बोला था, आपने सुना होगा शेर कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग बाग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो आज पहली बार 5 लोगों का और का कारवां मैं साथ लेके आया हूँ, राइट। पहले हम अकेले ही एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते थे, और आगे के लिए क्या है ये हम बात करेंगे। सेट्सा क्या है ये बताना जरूरी है। सेट्सा बताने से पहले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन अकेडमिक्स, ये पूरे एशिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है शुली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करती है। क्या करती है? रिसर्च करती है। पूरे एशिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, विश्व में दूसरी है। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है? कई बार हमें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूं रिसर्च होती क्या है। बहुत पहले लोग आर्गुमेंट किया करते थे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है, या सूरज धरती के आसपास घूमता है, या चांद सूरज के आसपास घूमता है। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, हर लोग आपस में आर्गुमेंट करते थे। उसके बाद फिर रिसर्च हुई, और रिसर्च ने साबित किया कि एक सौर मंडल है, सौर मंडल के आसपास बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने चांद हैं जो उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। और जब रिसर्च ने ये प्रूव किया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आर्गुमेंट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जब रिसर्च बोलती है तो वो क्या बोलती है, वो सत्य बोलती है, और जब सत्य निकल के आता है तो सत्य के आगे फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। जब एक चीज प्रूव हो जाती है तो फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। तो सेट्सा का क्या काम क्या है? सेट्सा का काम है डायरेक्ट सेलिंग के सत्य को उजागर करना, डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करके डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीजें काम करती है, क्या चीजें काम नहीं करती, और फाइनल सत्य क्या है उसको निकालना, राइट। तो ये रिसर्च है। हम करने क्या लगे हैं, हमारा विजन क्या है सेट्सा का? To establish direct selling as a dignified, sought after entrepreneurial career option. दो words हैं बड़े-बड़े इसमें। पहला word क्या है? Dignified. Dignified means हम गर्व से बोल सके कि हम एक direct seller हैं। और ये होता कैसे है? कहीं ना कहीं हम शर्माते हैं इस चीज में। दूसरी बात क्या? Sought after. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि accidental direct sellers हैं? Accidental direct sellers. कि direct selling मिल गई कहीं से, हम ढूंढ नहीं रहे थे, मिल गई। मैक्सिमम सारे लोग ऐसे होते हैं। तो कैसा हो कि अगर एक ऐसा समय आ जाए जब लोग बाय चॉइस डायरेक्ट सेलिंग में आए, एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर ना आए। क्योंकि एक्सीडेंट तो अच्छी बात है कि अगर अच्छी कंपनी में आ गई, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, आप क्रिप्टो में भी जा सकते थे, राइट। तो एक्सीडेंटली ना आए लोग, बाय चॉइस आए। और जब लोग पढ़ लिख के आएंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन लेके आएंगे और बढ़िया कामयाब करेंगे। तो एक हमें कोशिश हमारी है कि फॉर्मल तरीके से इसको लेके आए। एजुकेशन की जरूरत क्यों होती है? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो, बहुत फॉलोअर्स हो, चाहते हैं? यस। अब आप यहां देखोगे अगले वालों में किसी के हाथ नहीं खड़े हैं। ये क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि ये फॉलोअर्स नहीं चाहते। मैं ये जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप में ज्यादा फॉलोअर्स ना हो लेकिन ज्यादा लीडर्स हो। चाहते हैं कि लीडर्स हो। तो लीडर्स कैसे आते हैं? लीडर्स आते हैं जब आप औरों से एक
लेवल ऊपर रहोगे और ऊपर कैसे रह सकते हो, या नॉलेज में ऊपर रहोगे, या स्किल में ऊपर रहोगे, या डिसिप्लिन में ऊपर रहोगे। केएसडी फ्रेमवर्क बोलते हैं। नॉलेज कहां से मिलेगी? एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। तो अगर आपने अपने एक थोड़ा सा लेवल अपने आपको ऊपर रखना है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो फटाफट चलते हैं, हम बहुत जोरदार तालियां मैं चाहूंगा जरूर एक बार चैडविक सुरेंद्र वंशी मंच के लिए, जिन्होंने पूरे दिल से हमें हमेशा समर्थन दिया है। और आज हम एक अपने मेन काम पे चलते हैं जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हो रहा है अगेन, और उसके लिए कुछ लोग हैं जो कि साथ आ चुके हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और जिन्होंने काम करना शुरू किया एजुकेशन के फील्ड में। तो जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया का, ही इज एलएलबी। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए डॉक्टर गोपालम। एलएलबी किया है इन्होंने, एलएलएम किया है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, बुक लिख चुके हैं, और जब मैंने इनको फर्स्ट पेज देखा था ही इज अ पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग, एक पीएचडी है डायरेक्ट सेलिंग में। जब मैंने तो फर्स्ट टाइम एक रील देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई और अब लोग मिसाल लेके चल पड़े आगे, राइट। सेकंड आई इनवाइट ऑन स्टेज, रिसर्च स्कॉलर है शूलनी यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ ही मिलके रिसर्च कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज आता है कि लोग ग्रुप में आ तो जाते हैं पर रहते नहीं है, टिकते नहीं है, आते हैं किसी को? तो उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों लोग छोड़ के जाते हैं और क्या ऐसा किया जाए कि वो ग्रुप में रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस स्वाति जोगी का, जोरदार तालियां से। ओके, एक मैनेजमेंट में टर्म होती है कंज्यूमर बिहेवियर। बिहेवियर ह्यूमन जो स्टडीज होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आदमी कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता। तो वैसे ही एक डायरेक्ट सेलर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर बिहेवियर सेलिंग में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर स्टडी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं और साथ साथ में पैशनेटली पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। स्वागत कीजिए मैम ज्योति सिंह का। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हमारे साथ किया शूलनी में जो पहला बैच था, और उसके बाद रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और बहुत ज्यादा पैशनेट है प्रोफेशनलिज्म को लेके, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म लाने को लेके। छह महीने का इनका रिसर्च प्रोजेक्ट था इसके ऊपर। स्वागत कीजिए डॉक्टर जानकी पटेल। और फाइनली अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट है, दो हेड पहन के चलते हैं। दूसरी बात उनके साथ ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग टुडे राहुल भाई यहाँ बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग टुडे में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कंसल्टेंसी है बहुत बड़ी ये चलाते हैं, उसी में एक ये अपना डिजिटल एनालिस्ट का रोल भी ये निभा रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट भी है। स्वागत कीजिए दीपेंद्र तिवारी का। थैंक यू वेरी मच। और हम थोड़ा सा मैं आपके साथ इनको रूबरू करवाता हूँ और इनकी रिसर्च के बारे में ये आपको बताएंगे थोड़ा सा कि हम क्या रिसर्च ये कर रहे हैं। आपको एक और चीज बता दें कि इनके जो भी रिसर्च का पूरा एक क्रक्स है वो बाहर हमने पोस्टर्स के फॉर्म में लगाया हुआ है, आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर जाकर विजिट किए। तो डॉक्टर गोपालम आपसे स्टार्ट करते हैं, और डॉक्टर गोपालम आपने स्टडी किया है इंडिया में जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो लॉज है, और जो विश्व में जो लॉज है डायरेक्ट सेलिंग कह रहा हूं, तो इनका आपने एक जबरदस्त कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा आप जनता को थोड़ा सा बताइए कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें बताइए कि इस कंपैरेटिव एनालिसिस में आपका क्या क्रक्स निकला और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो रूल्स की हम बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड थैंक्स टू दिस स्टेज चैडविक सुरेंद्र वंश। सर ये बेसिकली ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसके लिए मैं कहना चाहूंगा ये वाइडली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड है, इसके ऊपर चर्चा और बातचीत तो सब लोग करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है।
और मैं मेरे परिवार की सेकंड जनरेशन हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमेशा मेरे मन में ये चीज चलती थी कि इसको लोग ऐसे डिग्निटी या करियर ऑप्शन जब आप बताते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, पूछते और क्या कर रहे हैं, व्हाट एल्स। सो यहाँ पे कुछ रिसर्च या कुछ गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती, और उस चीज से मैंने इसमें पीएचडी कर ली। और जो मेरी पीएचडी रिसर्च में सामने आया कि ग्लोबली इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉज है और इंडिया में क्या लॉ है, इस पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी और कैसे हम लोग ग्लोबली वहां से बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में कैसे इंप्रोवाइज कर सके। क्योंकि जहां पे एक अच्छी रिसर्च के बाद में अगर प्रॉपर लॉज होते हैं, सरकार समर्थन करती है, जो चीज मेरी रिसर्च में आई, आप लोग जब बाहर पोस्टर देखने आएंगे तब मैं आपसे रूबरू जरूर बात करूंगा, आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो जहां पे सरकारें इसके ऊपर प्रोत्साहन देती है, प्रॉपर लॉ लीगल फ्रेमवर्क होता है, तो वो इंडस्ट्री आसमान छूते देर नहीं लगा। सो ये मेरी रिसर्च से निकल के आया। थैंक यू डॉक्टर कुपालन। स्वाति आप पे चलेंगे, तो आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम में से सभी लोग इस समस्या से जूझते हैं कि डायरेक्टर लोग आ तो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप पे, लेकिन वो टिकते नहीं है ना, थोड़े समय बाद कभी इधर उधर चले जाते हैं या कई बार छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। तो आपकी जो स्टडी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो आप अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उससे कैसे हम इसका समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जी, पहले तो हमने ये देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडस्ट्री ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। पहले गाइडलाइंस नहीं थी, रूल रेगुलेशंस नहीं थे, लोगों का ये मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पिरामिड स्कीम पोंजी स्कीम एक ही है, और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन रहा है लोगों का। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडस्ट्री में आते थे, इंडस्ट्री में कुछ समय व्यतीत करते थे और इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते थे, बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते थे, और वो लोग एक नेगेटिव परसेप्शन इंडस्ट्री का लेके जाते थे। तो जो हमारी रिसर्च है ये इसी पे ही है, क्योंकि देखिए चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उसको सॉल्यूशन निकालना भी जरूरी है। गाइडलाइंस आने से, रूल्स रेगुलेशन आने से एक हिम्मत मिली है इंडस्ट्री को, वैसे ही जो और चुनौतियां हैं उसका समाधान निकालने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, हमारी रिसर्च है, इसके जरिए हम उन तथ्यों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है या फिर छोड़कर चला जाता है। इससे इंडस्ट्री और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या मैं कहूंगी लीडर्स हैं, उन दोनों का ही फायदा होने वाला है। लीडर्स को समझ आएगा कि किस तरह से हम अपनी डाउनलाइन को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रख सकेंगे, ऐसा हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कैसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि उसको फुलफिल करेंगे तो वो हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। और जो इंडस्ट्री को जो हमारा ये जो रिसर्च का रिजल्ट है वो एक तरह से सजेशन देगा, उन्हें समझ आएगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे क्या चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स उनसे क्या चाहते हैं। जब उन्हें ये पता लगेगा कि अच्छा इन चीजों से डिस्ट्रीब्यूटर खुश है और इन चीजों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और बेहतरीन करने के लिए उन पर एक्शन ले सकेंगे। तो यही सर मेरी रिसर्च है। थैंक यू। तो आप लोगों को लगता है कि इस रिसर्च से हमें फायदा होगा या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा? यस राइट। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडस्ट्री को तो फायदा होगा, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इंडस्ट्री का फायदा तो हो रहा है, चलो मेरा क्या फायदा है ना। हम अपने फायदे को इतना नजदीक से देखने लग जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। सो स्वाति स्ट्रगल कर रही है अपना क्वेश्चनेयर भरवाने के लिए 6 महीने से, लेकिन क्वेश्चनेयर लोग नहीं भरते। हमें 500 लोगों का मतलब क्वेश्चनेयर भरते हैं, हम क्वेश्चनेयर 500 लोग नहीं भर रहे। तो आप में से भी कुछ लोगों को क्वेश्चनेयर मिला होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भरिए ताकि हम नए से नई रिसर्च लाके नए से नए सॉल्यूशन इंडस्ट्री को दे सके। इंडस्ट्री है तो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी है तो हम है, इतना ध्यान रखिए। राइट, तो इंडस्ट्री से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ज्योति मैम, आपने रिसर्च किया है, कंज्यूमर बिहेवियर बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा है, और आप डायरेक्ट सेलिंग में स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें और ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर बिहेवियर उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं, आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा आप बताइए लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं जो रिसर्च कर रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कर रही हूँ, और कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी प्रोडक्ट को लेकर। और कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि जैसा नॉर्मल ट्रेडिशनल उसमें हो रहा है, कई लोग सेल्स उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होता है और आपके डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट। जो कंज्यूमर है आपका डिफरेंट सोच लेके आता है, परसेप्शन उनका अलग होता है। तो डिटेल तो आपको बाहर पोस्टर में मिलेगा, पर थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ कि
कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान कब खरीदता है, जब उसको लगता है कि परसीव कॉस्ट जो है उसकी परसीव वैल्यू से कम है या परसीव्ड वैल्यू उसकी ज्यादा है, उसे लगता है कि हाँ मुझे क्या फायदा होने वाला है, वो किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके देन ही विल बाय द प्रोडक्ट। एंड इससे फायदा इंडस्ट्री को क्या आने वाला है, कंपनी को जब पता चलेगा कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो एज ए डायरेक्ट सेलर हैं, जो डीएसए हैं हमारे, जो एसोसिएट्स हैं, कुछ पार्ट उनको प्ले करना होता है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज का कुछ और उनको नॉलेज का, वो सारा उनको अगर उस पर स्टडी करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो वो इजीली इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं लो चेंज हो चुके हैं, अब हमारा फेवरेबल टाइम आ गया, तो परसेप्शन हमने ही चेंज करना है, आपने या कंपनी ने, कंपनी तो बाद में आती है, पहले आप होते हैं। थैंक यू मैम। और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि परसेप्शन से क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परसेप्शन चेंज होगी, इसको एक एक्सेप्टेबल करियर ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा, वैसे ही हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो हिंदुस्तान आज 11वें नंबर पे है दुनिया में, उसको एक नंबर पे पहुंचने में समय नहीं लगेगा। हम अभी खुश हो सकते हैं कि 19,000 करोड़ की टर्नओवर है, कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। और अब समय आ गया है कि जो लोग सोचते हैं, हम तो सोचते हैं अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लेकिन जो लोग सोचते हैं इंडस्ट्री के बारे में, वो जो परसेप्शन चेंज होने लगी है, राइट। और उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। डॉक्टर जानकी, बहुत आप पैशनेट हैं प्रोफेशनलिज्म को लेके डायरेक्ट सेलिंग में, वैल्यूज की आप बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा नटशेल में आप बताइए हमारे दोस्तों को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म से क्या फर्क। जी बिल्कुल सर, जब मैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शूलिन यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तब हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप थी, उस दौरान मैंने प्रोफेशनलिज्म पे सर्वे किया। और सर मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड में या इंडस्ट्री में अगर कोई एक स्पेशलाइज नॉलेज ट्रेनिंग और एक एक्सपर्टाइज कर लेता है, और उसी फील्ड के अंदर जब वो एथिकली प्रैक्टिस करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, जब वो एथिकल प्रैक्टिस फील्ड में करता है, तो उस चीज को बोलते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो सर जब जैसे मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, और जब भी मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ फील्ड के अंदर, तब मुझे भी एक कोड ऑफ एथिक को फॉलो करना पड़ता है, और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सेट किए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है और कंडक्ट करना पड़ता है। और जैसे दूसरे प्रोफेशंस में जैसे हो गए लॉज, एडवोकेट्स जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, गवर्न करती है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रेगुलेट करती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें प्रोफेशनलिज्म को लाना है, तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना और लाना बहुत ही जरूरी है। और जब ये सेट एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड लॉज की अगर बात करते हैं आ गए हैं, तो एक ऐसी सेंट्रल बॉडी जो कि इसको गवर्न कर सके, रेगुलेशन कर सके, उसको भी लाना बहुत जरूरी है। तो सर मेरी रिसर्च यही कहती है कि एक डायरेक्ट सेलर अगर सर एजुकेशन देखा जाए तो हर एक फील्ड में बहुत सी जगह पे है, और लेकिन है वो लीडर ड्रिवन, मतलब लीडर जब सफल हो जाते हैं तो अपने हिसाब से वो एक सिस्टम देते हैं और उसी को लेते हुए एक डायरेक्ट सेलर सफल होता है। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम प्रोग्रेशन पाथ दे सके, एक डायरेक्ट सेलर को ऐसा फील करवा सके कि वो हमारे साथ एक मतलब कंपाइल फील करवा सके और वो 100% इसमें सफल हो जाए। तो मुझे लगता है सर अगर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनलिज्म बनना है तो इसको एथिकली प्रैक्टिस करे, और इसी के साथ मेरी यही रिसर्च लाती है। और जिनको भी ये डिटेल में जानना है तो वो पोस्टर के पास
जरूर आ सकते हैं। और फाइनली एक मैसेज देना है, फ्रॉम नॉलेज टू नोबिलिटी वी आर गोइंग, राइट? सो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग विच इज इंजन, एंड वैल्यूज आर समथिंग विच इज लाइक स्टीयरिंग ऑफ द कार। वेरी गुड। प्रोफेशनलिज्म इज द इंजन और वैल्यूज आपका स्टीयरिंग है। बहुत बढ़िया बात आपने की जानकी मैम। एंड हम भी ये मानते हैं, हम बहुत सारे लोग हम वाय के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का वाय हम फाइंड आउट करें और वाय पे इंडस्ट्री चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाय के साथ साथ हाउ का होना भी बहुत जरूरी है। और जो हम एजुकेशन और रिसर्च से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाउ भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से दीपेन, आपने मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी किया है, ये मार्केट किस दिशा में जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करती है, तो आप नटशेल में बताइए कि क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं मार्केट में और किस तरफ को हमारा फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कमल सर एंड सुरेंद्र भट्ट सर, मे बी ये रिपोर्ट आप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे के ट्रेंड्स को समझने के लिए। तो कोर्स के दौरान जो मैंने पीजी डिप्लोमा में किया, तो मेरा जो इंटरेस्ट डेटा और डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा था, उसके साथ मैंने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग टुडे के साथ स्टार्ट किया। तो जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज करने की बात करते हैं तो उसमें मेजर 3 G हम जिनको फॉलो करना चाहिए, वो फर्स्ट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इसको एक लीगल एजेंसी रिकग्नाइज किया, रूल्स भी निकाले, आफ्टर दैट गाइडेंस। एक हमारे पास यहाँ पे मेंटोर्स हैं, काफी सारे टीचर्स हैं, लीडर्स हैं अपलाइन है जो हमें गाइड करती है कैसे सक्सेसफुल होना है। अब थर्ड पार्ट आता है कि इसकी ग्रोथ क्या है। अगर ये दोनों चीज मैटर है, अगर ग्रोथ भी है इंडस्ट्री की तो एक अच्छा करियर हो सकता है। तो हमने इसी के रिगार्डिंग टॉप 75 कंपनीज का डेटा को एनालिसिस करा, उसका ऑडिट रिपोर्ट निकाला और उसके बिहाव से हमने एक रिपोर्ट को जनरेट करा। अब इसमें ये परसेंटेज भी नहीं है कि कितनी इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई और उसके की फैक्टर भी हैं। अगर उन की फैक्टर को आप कंसिडर करेंगे अपने वर्क के साथ फोकस करेंगे तो आप भी अपने करियर की ग्रोथ को उसके साथ अलाइन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पोस्टर रिप्रेजेंटेशन पे वहाँ पे आएं और हमारे साथ डिस्कस करें ताकि हम आपको और डिटेल में बता पाएं कैसे आप इन ट्रेंड्स का यूज अपनी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिपेश। तो आप लोगों ने देखा बार बार